और ये आपके केमिकल्स वगैरह अलग अलग आपको जो भी लिखा होगा अलग अलग न्यूट्रिएंट की अलग अलग जरूरत है। देखिए खोल के दिखाते ठीक है, ये आपका है कैल्शियम क्लोराइड, नहीं नहीं पोटेशियम, ये आपका है ये टेस्ट हुआ ढाई सौ एम एल का भी होता है और 25 ml का होता है, ये क्या 100 का भी है, 250 का 250 का है और 100 का भी होता है। नीरज तुम बदतमीजी बोल रहे हो, मात्रा दी है और एम एल मात्रा देने तो ये बताएंगे ये क्या है ये इसमें ML जितने आपको ML की जरूरत है, पानी की जरूरत है, एसिड की जरूरत है, वहाँ पे इसको नापने के लिए क्या ये मेजर ये आपका ऑटोमेटिक रिपीट है, ये पॉइंटों में देखिए ये मेजर करना होता है आपको 5 ml तक आपको ये जैसे आपने फिट कर लिया यहाँ पे आपको जितने ML लेना है वो आप जो सॉल्यूशन है आपको इंडिकेटर डालना है कोई डालना है इसमें डालोगे ये आ जाएगा इसके अंदर। और अच्छा समझ में उतना ये ये तो ये आपका ये भी 5 ml का है रिपीट कर क्या पूरा अरे पढ़ ले पेट है आपकी ये 4-5 टाइप की तबियत होती है ठीक है ना, 0.1 की 0.1 0.2 0.3 और 1 ml पॉइंटों में होती है एक पिपेट और एक पिपेट होती है 1 ml की जिसे पॉइंटों में आ जाती है, 2 ml की होती है, 5 की होती है, 10 की होती है, 20 की होती है और आपकी 50 की। ये आपका जब भी कोई भी एसिड आपको लेना होता है जब भी कोई इंडिकेटर डालना होता है तो आप इससे शक करेंगे, शक करने से इसमें मेजरिंग लिखा हुआ है, ये मेजर लगा हुआ है सब पे मेजरिंग कंडीशन होती है लिखा हुआ चिन्ह बना होगा यहाँ तक ही आपको लेना है 1 ml यहाँ तक हो जाएगा 1 ml जो भी हो जिसको 5 ml 5 हो जाएगा। और ये एक वॉल्यूम टाइप की होती है, एक वॉल्यूम टाइप की होगी हो सकता है यहाँ हो इसमें वॉल्यूम टाइप होता है ये तो मेरे को ये वॉल्यूम टाइप का होता है ना तो इसमें क्या जब भी हम शक करते हैं तो उसमें से जल्दी नीचे नहीं करते और इसमें क्या एकदम नीचे चला जाता है आप रोक नहीं पाओ नीचे चला है और कभी भी संकट में है तो इसको ठंड से रोकते हैं। ये बड़ी चीज है तो बड़ा साइज है वैसी का ये 25 ml की यहाँ वॉल्यूम टाइप का बना होता है वो है तो इस टाइप की एक एसिड को नहीं इससे संकरना चाहिए क्योंकि एसिड जाएगा तो हो सकता है आपके अंदर चला जाता आपके खराब कर देगा प्लास्टर को और जला वला देगा ऐसे काफी ज्वेलिंग होती है। तो ये आपकी जो लैब है गाइस लैब में मिट्टी की जांच हो सकती है, मिट्टी की जांच के लिए तो सब टेस्टिंग होती है तो अलग कुछ उपकरण आप दिखाइए जिससे मिट्टी जांच की जाँच निकलता हो इसी में करता हो शुरुआत के लिए लेके आए तो ये इस टाइप की प्रिपेयर हुआ वॉल्यूम टाइप में ये है कि एकदम आपका सॉल्यूशन जो होगा नीचे नहीं जाएगा उसमें धीरे से निकल पाएगा तो फिर आप कंट्रोल करो इसमें क्या एकदम भाग जाएगा तो आपको फिर सक करना पड़ेगा इस वजह से उसका ये बर्क और थम से इसको रोका जाता है जब भी आप सक करेंगे तो इससे रोका या इससे भी रोक सकते हैं वैसे मेन तरीका इसको ये आपकी प्रिपेयर कई टाइप की होती है। ये आपका ये हो गया मेजर सिलेंडर ठीक है ना और इसमें ये केमिकल्स हैं ये तो आपने देख ही लिए इसमें जो ये देखो ये मेजर सिलेंडर 50 ml का ये करता है ये पीरियड है आपका ये पीरियड है आपका 50 ml का 50 ml का ये कोई टेस्टिंग करने के लिए आप कोई भी सॉल्यूशन इसके अंदर ले लिया जाता है चाहे आप जैसे ऑर्गेनिक कार्बन निकाल रहे हैं डॉक्टर जो निकाल रहे हैं और एयर कंडीशन कर देंगे एयर टाइट कर देंगे जिससे हवा जो भी होगी बबल होगा वो निकल जाएगा और फिर टाइट कर देंगे और यहाँ तक अपना 0 तक इसको रीडिंग कर लिया जाता है जिससे कि आपका टेस्टिंग के लिए आप मेजर करने में ये आपका ये
ये आपका वो है फनल टाइप का है जहाँ भी ये चीजें ऑयल फिल्टर करनी पड़ती है उसके लिए फिल्टर लगा हुआ है।